बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों काफ़ी टाइम से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम पर एक वीडियो बना दो कि किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग हमेशा से जल्दी में रहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम मिल जाए जिसके ज़रिए वो फ़ौरन कनाडा शिफ्ट हो जाए। तो जो भी लोग दोस्तों कनाडा जाना चाहते हैं, ये वीडियो आज उनके लिए ही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स की। दोस्तों काफ़ी बार मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम को लेकर कनाडा भेज रहे होते हैं लोगों को, वो भी बिना आइल्स के, बिना एजुकेशन के और बिना वर्क एक्सपीरियंस के। हाँ, ये बात अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सच है कि यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आसान है और ये काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोग्राम है। लेकिन अब दोस्तों इसका भी एक रीज़न है जो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यूकॉन जो है वो एक प्रोविंस नहीं है कनाडा का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसको प्रोविंस समझते हैं, ये एक टेरिटरी है। सेकेंडली दोस्तों यूकॉन का जो वेदर है वही इसका सबसे बड़ा रीज़न है, मतलब कि यूकॉन का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा हार्श वेदर है। अब मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोग सुनने के बाद यही कहेंगे कि सर पूरे कनाडा के अंदर सर्दी होती है तो इसमें यूकॉन कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों यूकॉन के अंदर टोटल 8 मंथ्स तक जो है वो सर्दी रहती है, मतलब 8 महीने तक सर्दी रहती है और सिर्फ 4 महीने जो है वो नॉर्मल वेदर होता है, वो भी यूकॉन के लोगों के हिसाब से कि अब जो है वो नॉर्मल वेदर है, वरना वो 4 मंथ्स भी जो वेदर रहता है हमारे हिसाब से वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्श है। अब दोस्तों यहाँ पर 8 मंथ्स तक जो सर्दी रहती है उसका जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री तक जाता है। अब देखा जाए तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोचेंगे कि कनाडा के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविंस हैं जिनके अंदर वेदर जो है वो -30 तक जाता है, लेकिन 1 से 2 दिन तक, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यूकॉन के अंदर टोटल 8 मंथ्स तक जो है वो वेदर यही रहता है, जिसकी वजह से वहाँ का वेदर काफ़ी ज़्यादा हार्श है। और वहाँ की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो दोस्तों सिर्फ 41,000 की पॉपुलेशन है। अब जो 4 महीने वेदर ठीक भी होता है तो वो भी ऐसे ठीक होता है कि हमारे हिसाब से वो वेदर भी काफ़ी ज़्यादा हार्श है। लेकिन जो लोग वहाँ पर रह चुके हैं, मतलब वहाँ पर रहते हैं यूकॉन में, जिनकी मजबूरी है रहना वहाँ पर, तो दोस्तों उनके लिए वो 4 महीने वेदर नॉर्मल रहता है। अब चलो ये बात भी अगर देखा जाए कि यूकॉन का जो वेदर है वो भी अगर लोग झेल लेंगे, लेकिन कनाडा तो पहुँच जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को यही दिमाग में होता है कि यार वेदर का क्या है, वहाँ पर एक बार सेट हो गए तो किसी भी प्रोविंस में दोबारा सेट हो सकते हैं। मतलब अगर कहीं का आपको PR मिल जाता है कनाडा में कहीं पर भी, तो आप फिर पूरे कनाडा में कहीं भी जा सकते हो। लेकिन दोस्तों यूकॉन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक चीज़ मेंशन कर दी है जो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम, तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स ने वीडियोज़ बनाई, मैंने भी बनाई थी, जिसकी वजह से दोस्तों वहाँ की गवर्नमेंट पर काफ़ी ज़्यादा लोड आ चुका है। अब उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ मेंशन कर दी है कि आपको जानना ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि यूकॉन जॉब ऑफर देता है या फिर नहीं। तो उन्होंने उस जवाब के अंदर लिखा है कि बिल्कुल देता है, लेकिन पर ईयर सिर्फ 50 लोगों को। अब दोस्तों आप ये चीज़ को गौर से सुनो कि अगर 10,000 लोग पूरे साल के अंदर अप्लाई करते भी हैं तो उसके अंदर से सिर्फ 50 लोग ही यूकॉन जा सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों इस प्रोग्राम के अंदर चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब ना होने के बराबर हैं। अगर 10 से 20,000 लोग भी अप्लाई करते हैं और सिर्फ 50 लोगों को ही जाने मिलता है तो मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है दोस्तों, यहाँ पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। इसीलिए मेरा सजेशन आपको यही है कि आप किसी और प्रोग्राम्स की तरफ जाओ जहाँ पर चांसेस ज़्यादा हो, जहाँ पर ज़्यादा लोगों को इमिग्रेट किया जा रहा हो, उसके अंदर अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप यूकॉन में अप्लाई करोगे दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है, 3 साल के अंदर सिर्फ 150 लोगों को ही यूकॉन जाने का मौका मिलेगा। अब दोस्तों 2021, 2022 और 2023 जो हैं वो ऐसे ईयर्स रहने वाले हैं कनाडा इमिग्रेशन के लिए जो कि बहुत आसान होंगे।
अभी आहिस्ता आहिस्ता कनाडा अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च करता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आपको और भी प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों अब जो कनाडा ने टारगेट सेट किया है वो सब जानते हैं 1.2 मिलियन लोगों का है, मतलब 1.2 लोगों को जो है वो पीआर इशू की जाएगी 2021, 2022 और 2023 में, जिसकी वजह से यहाँ पर अब चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कनाडा जाने के। लेकिन कोई और प्रोग्राम्स के अंदर जैसे जैसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे उनका कोटा लॉन्च किया जाएगा तो उसके हिसाब से आपने अप्लाई करना है। अगर लोग यूकॉन के पीछे ही पड़े रहेंगे तो दोस्तों आप खुद सोचो 3 साल में सिर्फ 150 लोग जाएंगे तो क्या आपका चांस बन सकता है? बहुत ही कम चांस है, ना होने के बराबर आपका चांस है। इसीलिए दोस्तों अब आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ये देखते हैं कि यार आईएलटीएस ज़रूरी नहीं है, एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, तो हम इसी प्रोग्राम में अप्लाई कर लेते हैं। दोस्तों आईएलटीएस तो ज़रूरी होता ही है, ये सिर्फ अफवाह है कि इसमें आईएलटीएस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कनाडा की पीआर अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आईएलटीएस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप ये बात छोड़ दो कि आईएलटीएस कहीं नहीं मांगा जा रहा है, एजुकेशन कहीं नहीं मांगी जा रही, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स की तरफ ध्यान दो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी तो आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं और कोई प्रोग्राम के अंदर भी आप अप्लाई कर पाओगे। अब जैसे जैसे नए प्रोग्राम्स लॉन्च होते रहेंगे आपको वीडियोस मिलती रहेगी। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं एजेंट्स की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग एजेंट्स के पीछे बहुत भागते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे रिसेंटली भी मैसेज किया था और इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ एजेंट्स को लेकर, जो कि 20 लाख 25 लाख रुपए लेकर आपको कोई भी कनाडा के प्रोविंस में भेज रहे होते हैं। दोस्तों कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीज़ कहीं पे भी मेंशन नहीं है, इसीलिए आप ये चीज़ का ध्यान हटा दो कि अगर आप 20 से 25 लाख रुपए दोगे तो आपका वर्क परमिट लग जाएगा। बिल्कुल ऐसे एजेंट्स होते होंगे जिनकी रिक्रूटमेंट एजेंसी से जान पहचान होती होगी, वो आपको जॉब ऑफर दिलवाते होंगे और फिर आपको वो कनाडा भेज सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1% लोग हैं। 100 के अंदर से सिर्फ 1% एजेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्रूटमेंट एजेंसी से जान पहचान होती है, लेकिन दोस्तों 99% जो है वो एजेंट सिर्फ फ्रॉड करना जानते हैं। इंडिया में, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड होते हैं इन चीज़ों को लेकर। अभी रिसेंटली मैंने एक केस के ऊपर वीडियो भी बनाया था जिस हमारे पाकिस्तानी भाई के साथ ये मसला हुआ था, तो 14 से 15 लाख रुपए की जो मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखाई थी कि यहाँ पर उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपने सेंड कर दिए थे, सब कुछ हो गया था, वहाँ से जॉब ऑफर भी आ चुका था, लेकिन सब कुछ फेक था। तो दोस्तों प्लीज़ इन चीज़ों से बचो, एजेंट्स के पीछे मत भागो। आप जो भी नए नए प्रोग्राम्स देखते हो कोशिश करो कि उनके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो पाए, नहीं तो आप फ्रेंच लैंग्वेज वगैरह करोगे तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।